अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, कैसे हैं? आज हम लोग आए हैं साउथ हार, और ये बड़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे आपको हर तरफ हर किस्म के लोग नज़र आएंगे, ज़्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरे मुल्कों के लोग। तो सब बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, जैसे लगता है कि मैं पाकिस्तान में आ गई। और बहुत ही हर दुकान आपको दिखाएंगे जिसपे आप नाम पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि बिल्कुल ये पाकिस्तान की तरह। नाम का लोग ये ना कहें कि यहाँ पे इस्लामी स्कूल है। ये देखिए आयशा सिद्दीका दस, यहाँ पे तरबूज कैसा है देखें, कितना प्यारा, बहुत प्यारा है। ये कितनी अच्छी सब्जी है। और तरबूज का कलर इस तरह नहीं है जैसे, मैं आप क्या बताऊँ, भिंडी भी दिखाओ इनको, कितनी प्यारी भिंडी है। मैं उसके साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करती हूँ, वो आगे से मुझे कहते हैं जी, मैंने कहा शुक्र है कि आप उर्दू तो जानते हैं। तो मुझे कह रहा है कि आप वापस आए तो मेरी वीडियो बनाएं सब्ज़ी की। मैंने कहा ठीक है, बनाएंगे। और ये देखें यहाँ कपड़े भी मिलते हैं, सलवार कमीज हर किस्म का। चाय तो ज़रूरी है ना स्टार्ट करने के लिए। हाँ, दिमाग थोड़ा सा ठीक हो जाता है। वो सामने वाली देखिए, न्यू बाड़ा मार्केट, देखिए यहाँ भी बाड़ा मार्केट है। पेशावर में ऐसे ही कपड़े मिलते हैं ना। तो हम आए एक, इसे क्या कहते हैं, रेडी वाले चाट वाला। खैर हमारे पाकिस्तान में तो स्प्रेड वाले कहते हैं, लेकिन चले यार दिखाएं कि यहाँ पे क्या क्या है। मज़ेदार सी इनकी बड़ी मशहूर है, एक दही पूरी, सेव पूरी, एक पानी पूरी और एक चना चाट। आलू टिक्की चाट, सेव पूरी, दही पूरी और पानी पूरी। महिला पंजवा तेरा कीता जा सोना ही, मैं नो जोग की तोई, मैं निर्गुण हरे को गुण नाही। एक इंडियन दुकान है, तो यहाँ पे बहुत पहले भी मैं इस पे आई थी, तो मैंने अपनी बच्चियों के लिए काफी चीजें ली। सतगुरु सज्जन मिले यार,
नानक नाम मिले काजी। और ये भी हम आ रहे थे तो सामने, अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं कि बहुत ही खूबसूरत रेंज रोवर है, अगर बिन के पीछे से दिख सके, और उस पर बहुत खूबसूरत टेंट हुआ हुआ है और उसने बोरकजई ऊपर लिखवाया हुआ है जो कि आई थिंक उसकी कास्ट है। और मामा ने कुछ शॉपिंग वगैरह की है जो कि कुछ दुपट्टे वगैरह हैं, स्कार्फ्स हैं, क्योंकि यहाँ पे अरबिक स्कार्फ्स बड़े अच्छे मिलते हैं, तो वो बाजी के लिए कुछ स्कार्फ्स वगैरह लिए और ये एक दुपट्टा लिया, क्योंकि ये इंडियन है तो चीज़ें पाकिस्तान में तो नहीं मिलती। और तो अभी हम चलेंगे आगे, हम यही बता रहे थे कि, और मैंने वीडियो का जो बटन है वही प्रेस नहीं किया हुआ था। खैर नरगिस बहुत ही कोई मोती महल, आपकी सारी देसी शॉप्स और पीछे बसेस आ रही हैं, और मामा काफ़ी खुश है क्योंकि मामा को ऐसे देसी माहौल जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या हर तरफ अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज, तंग आ गई थी, जैसे कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ में मुझे अपना अपने अपने लोग नज़र आए, तो यहाँ पे देखें तो अभी हमने दही भली पानी पूरी सब कुछ खा लिया है और अब हम आगे चलेंगे क्योंकि फाइनल खाना खाएँगे। और यूके में पान कहाँ से? हाँ का मजा। हाँ आप कहाँ से? हम पाकिस्तान से। हम भी पाकिस्तान से। पाकिस्तान से कहाँ से? आप कहाँ से हैं? हम तो इस्लामाबाद रावलपिंडी। इस्लामाबाद रावलपिंडी। हम गुजरात लाहौर। लाहौर जिंदा दिल लाहौर। और हम लाहौर हमेशा जाते हैं सिर्फ खाने पीने के। इसमें छालियां नहीं है ना? नहीं नहीं बस मिठाई। ओके जी थैंक यू। ये तो दीजिए। नहीं 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 तो मामा लोटे लेने आई है ना, मामा को शर्म आ रही है। यूके में बहुत ज़रूरी है, हमारी बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम मुस्लिम शावर ले लें क्योंकि घर में वो लगाना एक अजाब है, बट आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ये 25 पाउंड। ठीक है मामा, काफ़ी दिनों से सर्च कर रही थी अपना मसालों का डब्बा। नहीं इंडियन इंडियन मसालों का, पाकिस्तान में तो मैंने लिए हुए हैं ढेर मेरे पास है, तो ये आज मामा को इंडियन जो मुझे पसंद है ना, जब इंडिया मूवी है उनमें खाना बनाते हैं उनको देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने कौन सा वाला ऑर्डर दिया मामा, जरा दिखाएँ दोबारा? वाला दिया सेम साइज जी। इसमें कितने डब्बे? इसमें है 7 तो 7 ही मेरे ख्याल से बेसिक मसाले हैं पाकिस्तान में। ये देखें ये बंद बहुत अच्छा होता है। अच्छा बता दिया आपने। हाँ ये ऊँट ये वो है इंसेंस कैंडल आगे बैठी हुई मुझे बहुत पसंद है। और ये तो चलो बहुत ही सब कुछ सब कुछ मिलता है हमारे यहाँ पर, सारे मसाले मरी रोड है ना पिंडी में, तो लड़के ऐसे करते जहाँ जहाँ देसी कम्युनिटी है वहाँ पे ये सारे मसाइल तो आपको दिखेंगे, क्योंकि हमने चूँकि दही पूड़ी चना चाट वगैरह वो काफ़ी कुछ खा लिया था तो भूख तो हमें नहीं है। मामा बताएंगी कि अब हम क्या करने लगे। हमने इधर ही खाना था लेकिन हमारे पेट फूल है तो हमने कहा चले हम पैक करा लेते हैं और घर जा कर खाते हैं, 2 घंटे में हमें भूख लगी जाएगी। तो हम जा रहे हैं ये
गिफ्ट है उस लाहौर कढ़ाई पे, तो यहाँ से हम कुछ ऑर्डर करेंगे साथ लेके जाएंगे। गाड़ी हमारी मैकडॉनल्ड्स खड़ी है और देन घर जाके खाना खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। ये है गिफ्टो लाहौर कढ़ाई, ये देखिए बन रही है कितनी ज़बरदस्त। ताज़ा ताज़ा नान जो है वो लग रहे हैं, तो हमने ऑर्डर किया है चटनी कढ़ाई और छः नान, तो अब वो बनेंगे और हम जो है आ जाएंगे। तो हम लोग घर वापस आ गए हैं और गिफ्टो लाहौर कढ़ाई हमने वहाँ रेस्टोरेंट से ली और घर पहुँच गए, लेकिन खाएंगे हम उसे लेकिन आपको बता नहीं सकते क्योंकि बहुत थके आ रहे हैं। मैं नया चैनल बना रही हूँ, उसका नाम होगा लाइफ विद रियाना यास्मीन। तो आप लोगों से ये इल्तमास है कि आप सब लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी कोई फले फूले, जिस तरह ये फल फूल रहा है बड़ा स्लो स्लो जा रहा है। तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी जो आप लोगों ने मेरा ये चैनल देखा, सब्सक्राइब किया और अभी भी देखते हैं। तो अब नई जो वीडियो होगी, इस साउथ हॉल की वीडियो आप इसी चैनल पे देखेंगे, लेकिन इसके बाद जितनी मेरी वीडियो होंगी तो वो मैं उस चैनल पे डालूंगी। तो ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि लोग मुझे यही कह रहे थे कि आपका एक चैनल है कुकिंग का, आपकी पहचान कुकिंग है, खाना बना बनाती हूँ, लेकिन व्लॉग और कुकिंग मेरा कठा कठा जा रहा था ना, तो इसलिए मेरे बच्चों ने और सब ने मिल के यही कहा कि आप एक चैनल और बनाएं, तो उसमें मैं इस तरह व्लॉग सारे डालूंगी और इधर कुकिंग का अलहदा कर दूंगी। तो इस तरह आसानी होगी, आप अगर कुछ खाना जिन बच्चियों को नहीं आता, जिनको वो क्लिक करेंगी ना, जैसे आलू कीमा या पाए बनाना, फज्जे के पाए, जो भी है, कढ़ी बनाना, चावल बनाना, तो वो अगर मेरा नाम लिखेंगे तो वो फौरन आ जाएगा, तो आप देख सकेंगे और सीख सकेंगे। आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और पक्का वादा करना है। तो नेक्स्ट व्लॉग या रेसिपी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।